सूकरों की वजह से रीवा में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल प्रतिबंधात्मक धारा लागू की गई। रीवा में फैले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए राजस्व पुलिस नगर निगम की टीम कर रही वेटरनरी विभाग की सहायता। सूकरों की वजह से रीवा में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लागू किया गया, साथ ही धारा 144 लागू की गई है। रीवा में फैले अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए ये सब किया जा रहा है। राजस्व पुलिस नगर निगम की टीम को वेटरनरी विभाग के सहयोग करने के लिए लगाया गया है। सूकरों की वजह से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लागू किया गया रीवा में, क्योंकि सूकरों में संक्रामक रोग की जांच के बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के वायरस पाए गए। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल लागू करने के लिए वेटनरी, रेमडियो, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमें काम कर रही हैं। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। रीवा में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए धारा 144 आदेश भी जारी किया गया है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने पिछले दिनों काफ़ी तादाद में रीवा के कई मोहल्लों में सूकरों की मौत के बाद ये सब किया है। रीवा नगर निगम के कुछ क्षेत्रों में सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण पाए गए थे। इनके नमूनों की जांच के बाद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रोग की पुष्टि की गई है। जिले के अन्य भागों में सूकरों पर इस संक्रामक रोग का प्रसार रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने धारा 144 लागू की है। यह आदेश 21 अगस्त 2022 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग की पुष्टि होने पर रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में सूकर पालकों के आश्रय स्थल के ईपी सेंटर घोषित करते हुए इस स्थल से 1 किलोमीटर की परादी को संक्रमण प्रभावित जोन घोषित किया गया है। साथ ही इस क्षेत्र से 9 किलोमीटर की परादी को सर्विलेंस जोन घोषित किया जाता है। इन क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य क्षेत्र को फ्री जोन रहेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड कंटेजियस डिसीज इन एनिमल एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत अफ्रीकन स्वाइन फीवर को रोकने के लिए इन्फेक्टेड जोन में ये आदेश लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार इन्फेक्टेड जोन में पाए जाने वाले सभी सूकर आश्रय में सूकरों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जाती है। सभी सूकर पालकों से 30 दिवस में सूकरों के परिवहन की जानकारी लेकर रोग के संभावित ईपी सेंटर का चिन्हांकन किया जाएगा। इन्फेक्टेड जोन में पाए जाने वाले सभी सूकर आश्रय के सूकर मालिकों तथा संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित की जाई गई है। संक्रमण क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इन्फेक्टेड जोन के सभी प्रकार के सूकरों का वैज्ञानिक मानवीय विधि से वध किया जाएगा। मृत सूकरों के शरीर को प्रभावित क्षेत्र में गहराई में दफनाकर उसका निष्पादन करने के लिए भी कहा गया है। नगर निगम रीवा के स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न वार्डों में मृत सूकरों का सुरक्षित तरीके से लीक प्रूफ गाड़ी में परिवहन कराकर वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन कराएंगे। मृत सूकरों का निष्पादन पशुपालन विभाग की देखरेख में नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम द्वारा कुठुलिया वार्ड में स्थान निर्धारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सूकर के मांस का क्रय विक्रय एवं उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्व तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी घर जाकर सूकर पालकों से संक्रमित सूकर की जानकारी प्राप्त कर उनका वैज्ञानिक विधि से नष्ट करने का कार्य करेंगे। नगर निगम को संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई का ख्याल रखने की बात कही गई है। टीमों को सचेत किया गया है, एक जोन में तैनात दूसरे अधिकारी कर्मचारी दूसरे जोन में न जाएं। इस तरीके के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। पिछले दिनों में रीवा में स्वाइन फ्लू जैसी एक बीमारी आई थी, जिसके कारण सूकरों के डेथ की काफ़ी इंसिडेंस आए थे। इनके सैंपल भेजे गए थे और कल सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिससे ये पुष्टि हुई है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के वायरस मौजूद हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। जो एपिसेंटर है उसकी घोषणा कर दी गई है, जो सर्वेलेंस एरिया है उसकी घोषणा कर दी गई है। उसके अनुसार वेटनरी, रेवेन्यू, पुलिस और नगर निगम की टीम मिलकर उस इलाके में कलिंग का काम करेगी, सर्वेलेंस का काम करेगी और उसके बाहर का जो इलाका है जहां पर सर्वेलेंस करना है वहां पर बीमारियों के पूरी सर्वेलेंस की व्यवस्था होगी। ये आज से ही काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे ज़िले में
किसी भी तरह के शुकर के मांस के विक्रय पर, उसके व्यापार पर और उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये बीमारी काफ़ी इन्फेक्शस है और बहुत कम समय में ही बीमारी फैलती है और जानवर की डेथ हो जाती है। इससे बचाव का एक यही तरीका है कि हम इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। हमने नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को कहा है कि शाम के समय अभी सेकेंड हाफ में नगर निगम में जो पालक हैं उनकी एक बैठक भी कर लें ताकि उनको भी इस प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी दी जाए। आप सभी से अपील है कि इस पर पूरा सहयोग प्रदान करें और किसी भी तरह का मूवमेंट अगर दिखता है जानवर का या उनके व्यापारियों का या उनके बेचने खरीदने या उसके मांस को खाने की कोई सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी ज़रूर दें। आप सभी से निवेदन है कि सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से हम इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे।